प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी के दौरे पर रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेशवासियों को 1565 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। पीएम सबसे पहले राजा तालाब गंजारी पहुंचे, जहां 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस दौरान 1983 क्रिकेट विश्व कप के विजेता खिलाड़ियों और अन्य नामचीन क्रिकेट के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। स्टेडियम की क्षमता करीब 30,000 लोगों की होगी। इसकी वस्तु शैली काशी और सनातन धर्म के अनुकूल होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में जो नया या स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, उसका लाभ बेटियों को भी मिलेगा। अब बेटियों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के जरिए दूर नहीं जाना होगा। बता दें, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर है। उन्होंने कई विकास कार्यों की यहां पर सौगातें दी हैं। और सबसे बड़ी जो सौगात है वो क्रिकेट जगत को है। आपको बता दें, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात पीएम मोदी ने दी है। और इस स्टेडियम की खासियत यह है कि यहां पर सनातन धर्म से संबंधित वास्तुकला का उपयोग किया जाएगा और इसमें कई हजार लोगों के बैठने की क्षमता होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब बेटियों को स्पोर्ट्स के फील्ड में बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, उनको यही वाराणसी में ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी। जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं।